मैं इस वक्त इस झील के किनारे बैठा हूँ। इधर का नज़ारा बहुत ही दिलकश है। इसकी वजह ये है, एक तो ये पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे हैं, फिर सब्ज़ा है, ग्रीनरी है, जो आपकी आँखों के लिए और आपके मतलब जिसको हम कहते हैं माइंड मेंटल पावर के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बात कि हल्की हल्की हवा की वजह से इस झील का जो हुस्न है, जो नज़ारा है, वो इससे दोबाला हो जाता है, क्योंकि ये छोटी झील है, मुख्तसर है, लेकिन बड़ी प्यारी जगह पे है। इस तरह यहाँ पानी, झील और ये जो ग्रीनरी और ये जो पहाड़ी, इसकी एक ज़बरदस्त मैचिंग है। फिर इस झील की एक और बात है, यहाँ साल के पूरे 12 माह पानी जमा रहता है, क्योंकि पीने के काबिल नहीं है, लेकिन दुश्वार गुजार है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं इस झील को देखने के लिए। अभी हमने सफ़र किया है, बहुत ही दुश्वार गुजार रास्ता हमने पैदल भी क्रॉस किया, बहुत थके हुए, जिस्म बिल्कुल हमारा वो जवाब दे गया था, लेकिन यहाँ पहुँच के वो सारी थकन दूर हो जाती है। आए इन वादियों को आप देखें अपनी आँखों से, बज़ाहिर तो आप गूगल से भी देख सकते हैं, यूट्यूब से, लेकिन यहाँ की जो खुशबू है, यहाँ की जो हवाएं हैं, ये आप वो स्क्रीन से महसूस नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप आए इन इलाकों को एक्सप्लोर करें। मेज़बान जनाब माजिद गिलानी साहब बड़ा पुरतकल्लफ किस्म ना इन्हें लंच ना एहतमाम किया ना, जिस माशाल्लाह मुख्तलिफ सब तो बढ़ के एक मकई नी रोटी और खट्टा साग जिसके कड़ियाँ साहने वो इतने और माशाल्लाह बाकी भी बहुत अच्छे कश्मीरी डिशा हैं इतने, लस्सी दही और ये सारिया चीज़ा और ये अपने माजिद साहब हैं गिलानी साहब माशाल्लाह, अस इन्हें शुक्र।